एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा ऑनलाइन प्लान्स शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन लाइव प्लांट्स मंगवाए हैं, मतलब कभी भी ऑनलाइन लाइव प्लांट्स मेरे पास नहीं आए। मुझे एक बार एक आध किसी ब्रांड ने एज अ PR प्रोडक्ट के नाम पे भेजा था तो तब आए थे, और दूसरी बार मैंने अभी मंगवाया है। तो लेट्स सी कि इनकी क्वालिटी कैसी आई है एंड किस रेंज में ये आए हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यूजुअली जो टेबल टॉप प्लांट्स होते हैं ना, मिनी प्लांट्स होते हैं मोस्टली जो इंडोर प्लांट्स हैं, वही मंगवाए हैं। तो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑल्सो जितने भी प्लांट्स आए हैं ये प्लांटर्स के साथ आए हैं। दिस इज द फर्स्ट प्लांट विथ प्लांटर, ये है जेड प्लांट। एंड मैंने कभी भी अभी तक, मतलब इतने टाइम से मेरी 4 years की जो प्लांट्स रखने की जर्नी है उसमें कभी भी मैंने जेड प्लांट को नहीं रखा है। एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड अ जेड प्लांट, बट पता नहीं क्यों मैं रह जाती थी या नहीं ले पाती थी। सो मैंने जेड प्लांट सबसे पहले अपने कार्ड में ऐड किया। सो दिस इज द जेड प्लांट, ये इसके प्लांटर के साथ आया है। छोटा सा है, क्यूट सा है, दिस इज एन इंडोर प्लांट, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है ये। डेफिनेटली थोड़ी लाइट होनी चाहिए, मतलब पार्शियल लाइट आपके रूम में होनी चाहिए, एकदम अंधेरा नहीं होना चाहिए। एंड योर रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड, मतलब अगर आपने अंधेरे रूम में कहीं रख दिया और हवा नहीं आती होगी इट माइट डाइड। सो इसको थोड़ा वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखना होता है। मैं आपको पास से अब इसकी क्वालिटी बताती हूँ। और बहुत अच्छे से पैकिंग होकर के आया था, मतलब बहुत ही अच्छे से पैक होके दिया था। एंड ये 2 days तक अंदर बॉक्स में पैक्ड था, तो भी इसको कुछ नहीं हुआ टच वुड, क्योंकि मैंने ओपन अभी किया है आकर के, मैं वहां थी और यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए थे। सो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, हाईली इम्प्रेसिव, मतलब मैं इम्प्रेस काफी ज्यादा हुई हूँ कि कितने अच्छे से आया है। नाउ कमिंग टू माई सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस स्नेक प्लांट। अगेन ये प्लांटर के साथ आया है। नाउ लुक एट द क्वालिटी ऑफ द स्नेक प्लांट, काफी ज्यादा अच्छी है। एंड स्नेक प्लांट में भी अलग अलग वेराइटीज आती है, जैसे कि इसकी आप लीव्स देखेंगे, इनके कुछ टेक्निकल नेम्स होते हैं जो एग्जैक्टली मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। एक होता है बड़ी लीव्स वाला, फिर थोड़े मीडियम साइज की लीव्स वाला, ये मिनी लीव्स वाला। तो ये मैंने छोटे लीव्स वाला मंगवाया, बट इसको ये सब है स्नेक प्लांट की ही वेराइटी, बट एग्जैक्टली उनको क्या टर्मिनोलॉजीज है वो मुझे को भी नहीं पता है। सो ये मैंने ब्लैक प्लांटर में मंगवाया, ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन आया था। इसमें और भी काफी सारे ऑप्शंस थे, तो एक तो मैंने स्नेक प्लांट बिकॉज दिस इज इजी टू यूज, मतलब मुझे याद है मैं लास्ट टाइम जब भोपाल आई थी 6 महीने के लिए, मेरे घर में से 2 प्लांट जिंदा थे, एक था स्नेक प्लांट और दूसरा था जीजी प्लांट। तो ये जो प्लांट्स है ना, ये कहीं पर भी जिंदा रह सकते हैं, मतलब किसी भी कंडीशंस में ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने 2 का सेट मंगवाया था, ये बैम्बू प्लांट का। मेरे पास बैम्बू भी करंटली अभी नहीं है, पहले मैंने रखा है बैम्बू काफ़ी, बट अभी मेरे पास करंटली बैम्बू नहीं था। सो आई गॉट बैम्बू एज वेल, ये मैंने मंगवाया था। तो ये अभी पानी में रख के रखा है। बैम्बू इज़ अ वेरी यू नो इजी टू मेंटेन प्लांट है। आप इसको पानी में रख दो, मिट्टी में रख दो, जहाँ रखना है वहाँ रख दो, ये भी बहुत आराम से सर्वाइव करता है। एक ये है और एक ये है, तो ये देखिए दोनों काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है। एक आध लीव्स इसकी येलो हो गई बिकॉज अगेन एज आई सेड कि 3 days तक ये बिना पानी के, बिना हवा के, ऑक्सीजन के अंदर पैक्ड था, तो मे बी इसलिए हुआ हो, बट वैसे इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। ये देखिए आपको दिखाती हूँ इसकी एक आध लीव्स जो है, इस तरह की इसकी लीव्स का कलर चेंज हुआ है। नेक्स्ट प्लांट के ऊपर आते हैं, तो अगेन दिस इज अ स्नेक प्लांट। ये थोड़ा देखिए ये पैटर्न अलग है इसका, इसकी वैरायटी अलग है, इसकी वैरायटी अलग है। तो मैंने बोला ना स्नेक प्लांट में बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, बट मेरे बहुत अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। तो अगेन इट कम्स विद द प्लांटर, ये प्लांटर के साथ आया है। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्लांट। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाया है ये प्लांटर। सो ये प्लांट अभी लगवाया है मेरे पापा ने, ये प्लांटर मैंने मंगवाया येलो कलर का। तो ये बहुत ही प्यारा सा ऐसा तुलसी प्लांटर है, क्योंकि मेरे पास जो तुलसी थी मुंबई में जब हम यहाँ पर ट्रैवल करें, और तब तक तो वो ठीक थी, लेकिन जैसे ही ट्रैवल करने के बाद क्योंकि क्या हो रहा था मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी उनको, तो वो पूरी जो भी है वो पूरी ड्राई हो गई है एंड पूरी खराब हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट डाइड ही हो गई है, नहीं उनको हम बचा पाए। सो मैंने अपने पापा को बोला कि मेरे लिए तुलसी लगा दिया जाए, बिकॉज पहले भी उन्हीं ने लगा करके दी थी, वो बहुत अच्छी चली थी। तो ये उन्होंने तुलसी इसमें लगा दी है एंड बहुत अच्छे से लग गई है अभी तो फिलहाल। आई डोंट नो इसकी लीव्स थोड़ी ड्रूपी सी हो रही है शायद सन की वजह से। सो ये है प्लांटर, काफी ब्यूटीफुल सा है, मतलब जनरली हम लोग तुलसी जी पे दीपक एंड अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, तो उस हिसाब से पूजा वूजा करने के लिए बहुत सुंदर है, लग भी बहुत ज़्यादा सुंदर रहा है। तो ये है मतलब ये सिर्फ मैंने अकेला प्लांटर मंगवाया, ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। नाउ अभी आते हैं लास्ट प्रोडक्ट पे। ये एक तरीके का प्लांटर स्टैंड है, जितने छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना उनको रखने के लिए, बहुत ज़्यादा क्यूट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये देखिए
ये दिख रहा है आपको, मैं प्रॉपरली इसका वीडियो एक यहाँ पर पुट कर दूंगी ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि वीडियो में आएगा नहीं फ्रेम में, थोड़ा बड़ा है ये। तो ये इस तरीके का प्लांटर स्टैंड है, तो इसमें आप छोटे छोटे मतलब इतने ही बड़े साइज के इसमें प्लांटर्स आ सकते हैं, ज्यादा बड़े साइज के प्लांटर्स नहीं आ सकते। काफी सारे प्लांटर्स रख के रख सकते हैं, काफी क्यूट सा है, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, फिनिशिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है, आयरन एंड वुड के कॉम्बिनेशन में है, व्हाइट कलर में मैंने मंगवाया है। तो ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट एंड मैं प्रॉपरली पूरा सैटिस्फाइड हूँ जिस तरह की क्वालिटी आई है मेरे पास प्लांट्स की। लाइव प्लांट बहुत अच्छी कंडीशन एंड क्वालिटी में आए हैं। तो ये जितनी भी शॉपिंग है मैंने मीशो से मंगवाया है एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो इन कोलेबोरेशन विद मीशो। सो आई एम श्योर आप सबको पता होगा मीशो क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक को क्लिक करिए और मीशो की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है देन यू मस्ट बी नोइंग मीशो पे कितनी ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ड्रेसेस से लेकर के मतलब हर एक घर में जरूरत की चीज से लेकर के आपके कपड़े, शूज, बर्तन, कार एक्सेसरीज, मतलब दुनिया जहान की चीजें उसमें अवेलेबल है ऑल टू ऑल एंड काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में है। ऑल्सो गाइज, महा इंडियन शॉपिंग लीग इज कमिंग ऑन मीशो फ्रॉम 6th October to 9th October। दिस इज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोएस्ट प्राइस में चीज़ें मिलने वाली है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर बिगेस्ट प्राइजेस भी अवेलेबल है। यू गेट अ चांस टू विन मर्सिडीज बेंज, एलजी रेफ्रिजरेटर, सैमसंग टीवी एंड अ लॉट मोर एक्साइटिंग प्राइजेस वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज ड्यूरिंग द सेल। तो जल्दी से मीशो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपके फर्स्ट ऑर्डर में या तो आपको 100 रुपीस का डिस्काउंट मिलता है या फिर फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलता है। तो जल्दी से शॉपिंग स्टार्ट कर दीजिए अपने फेस्टिवल्स की। तो सारे कोड्स मैं इन सबके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, फिर एनी केस आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप कर सकते हैं। सो यस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।